ओडिया भाषा साहित्यर महामनीषी तथा कथा सम्राट फकीरमोहन सेनापतिंक आज हेउछि जन्म जयंती। ओडिया भाषा साहित्यकु सुरक्षा देबारे हेउ किबा समाज संस्कार दिगरे हेउ तांकर अवदान अतुलनीय होइ रहिछि। से लेखि जाइथिबा कालजयी गल्प उपन्यास आज भी अन्य गाल्पिक उपन्यासिंक एक माइलखुंट होइ रहिछि। संक्रांति पुरुष व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति बालेश्वर सहररे रहिछि एक छोट गाँ मल्लिकासपुर। 1843 मसीहा जानुरी 14 तारीख में मकर संक्रांति दिन से जन्मग्रहण करते जड़े गाल्पिक और औपन्यासिक भाव से निज समय बहु आगे थे। ओडिया साहित्य जगत में फकीरमोहन अनेक नुआ कथा करते ओडिया भाषा क्षुद्र गल्प आत्मजीवनी चरित भ्रमण कहानी आदि लेखा होता से ता रचना करते पुणी अति सरल और गाँवली भाषा। तबे अधिक आलोचना करिबा आम बालेश्वर प्रतिनिधि प्रकाश महांती आम सहित जोड़ी। प्रकाश जो भाव आज फकीरमोहन सेनापति जन्म जयंती तेरे ये प्रश्न आसुची जो महापुरुष मान रही जो मैंने चिरस्मरणीय अनेक किसी करमपाई से मैंने सरकार प्रति जत्नवान से मत दृष्टि दि जा सेनापति कथा कहिबा तो निश्चित भाव जो आम जो भाषा आज कहे जो समाज संस्कार कथा कहे तार मुख्य महामनीष होती फकीरमोहन सेनापति। आम बर्तमान जो जगार अच्छे ये हूँ से मल्लिकासपुर जो शांति कानन कहती जोटार कि फकीरमोहन सेनापति से ओडिया भाषा साहित्य जिते बड़े संकट में थी से तार ये बस कि साधना करुले आमको जो भाषा आज आम कहे तार होता कि जो कथा कहु कि संस्कृति विभाग पक्ष राज्य सरकार पक्षर जो भाई भावे महामनीषी को फकीरमोहन सेनापति को जो सम्मान देवा कथा जो पुरुष मान को किंतु ता आज गोटे प्रकार अवहलित कहीं देखूँ बालेश्वर जिले में केवल कहले जो मल्लिकासपुर शांति कानन से प्रतिमूर्ति एवं जो सहर फकीरमोहन गोले अच्छी से गोले गोटे प्रतिमूर्ति छड़ा अन्य किसी ना तो आम सहित अच्छा पूर्वतन जुग्म संपादक और जो ओडिशा साहित्य अकाडेमी सदस्य कालीपद पंडा सहित आलोचना कराया सर देखुं आज जो फकीरमोहन सेनापति कथा सम्राट फकीरमोहन सेनापति आज जयंती तो यह अवसर देखिए जो भाई भाव सरकार महामनीष मान को महापुरुष मान को सम्मान दबा कथा प्रकृत में बालेश्वर फकीरमोहन सेनापति को से भाई गोटे प्रकार सम्मान जगह पहुँचा पड़े। मु समस्त को आज मकर संक्रांति एवं संक्रांति पुरुष फकीरमोहन पुण्य जयंती ओडिशार समस्त जनसाधारण को नमस्कार जनाऊँ। सरकार व्यासकवि फकीरमोहन स्मृति रक्षा उद्देश्य एवं बेस जत्नशील होती बहु बालेश्वरवासी विभिन्न समय रे जे फकीरमोहन स्मृति रक्षा पाई अनेक थर दाबी करिबा परे एबे फकीरमोहन जो साधना पीठ ए शांति कानन जोंठारे आपण माने समस्त अछंती साधना पीठ को अति सुंदर भाव रे सजेबा पाई एबे आगे आछंती निश्चित भाव एथि पाई आनंदर विषय। तेबे व्यासकवि फकीरमोहन ओडिया जातीय जनजीवन प्रातस्मरणीय जने प्रख्यात कवि से भाषा रक्षक एवं से होउछंती ओडिशार प्रथम व्यक्ति जे सेतेबेले पाठ्यपुस्तक ओडिया भाषा रे नथिला बेले से पाठ्यपुस्तक रचना करथिले। आज जो नारी शिक्षा होइछि तांकर काल जे गल्प रेवती डाकमनुषी छमाण आठगुंट लक्षमा मामू प्रायश्चित भळी से जो उपन्यास लिखिछंती रांडीपो अंता भळी जो गल्प लिखिछंती आज भी ओडिशार कोटी कोटी जनता भितरे से गल्पर प्रासंगिकता रहिछि। विशेषकर से उत्कल को मधुबाबू सहित मिसी गोपबंधु सहित मिसी जो भाषा भित्तिक प्रदेश गठन से जो नेतृत्व नहीं आज ओडिशा रे मु आशा रखी जे आमर सरकार ए दिगरे अधिक आहरी जत्नशील हे जेभली ओडिशार समस्त स्कूल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय मान सरकार नियम प्रणयन करी एही दिन टी समस्ते जेभली पालन करिवे कारण आमर जे पूर्व सोरी जे आम जातिर प्रतिभू तांकर सम्मान एवं तांकर जो परिचिति को व्याप्त करिबा पई परपीढ़ी पाई सरकारी स्तर में गोटे निर्देशनामा हवा उचित अंत तांकर जयंती टीए प्रतिवर्ष सबू शिक्षानुष्ठान पालन करा उचित एवं तांकर फोटोचित्र सबू विद्यालय को जोगाइ देबा उचित एवं सरकार मध्य फकीरमोहन नाँ एक जातीय सम्मान प्रदर्शन करहित्य गवेषणारत अच्छा से दृष्टि मु भावुची सरकार आहुरी अधिक किछि जत्नशील हवा उचित फकीरमोहन स्मृति रक्षा उद्देश्य।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କ ତାଜା ଚିତ୍ର ପାଇଁ। ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ସେ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ।